रिकॉर्ड कर रहा मैं स्टार्टिंग में। हाँ चल बोलो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, अभी डबल आवाज नहीं आ रही ना? नहीं नहीं सर, अब नहीं सर। माइक लेके बैठ गया मैं। अच्छा होगा, सुमित भी आ गया अभी। हाँ रहूंगा ना मैं माइक लेके बैठे। हाँ सर, आई मेट विद अ सुडानीज चाइल्ड सोल्जर। हाँ मैं स्टोरी बता रहा था शायद आपको कि वो पहली शायद की नहीं है। वो है ना, जब स्कूल जाते थे पहला सत्र थे तुम्हारा फर्स्ट था स्कूल का, तो तुम्हारे को किसी बुक्स बैग से उसको बुक्स बैग्स वगैरह मिले थे। उसके घर वाले ने स्कूल को भेज दिया उसे, और वो स्कूल में जाता था और बाहर बैठे हुए एक बच्चे को देखा उसने। बच्चे को देखा कि वो जूते पॉलिश कर रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो कहला सत्यार्थी को क्या है मालूम है, टेंशन आ गया। टेंशन आ गया और फिर बाद में वो घर पे गया। अरे आज खुले मारे आपने मम्मी को पूछा कि ऐसा कैसी है, अपने डैडी को पूछा तो डैडी बोले वो लेबर काम ही करते तो हम ऐसी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर उसके मन में कांस्टेंट था। और फिर बाद में उसने क्या करा, आखिरकार वो बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला के रहा। उसने सोचा होगा कि होमवर्क का अकेले मेरे पे क्यों बर्डन, ये बच्चा कैसे क्या खुश रह रहा इतना है? तो उसको भी स्कूल में डाल दिया फिर, और उसको भी एजुकेशन का राइट दिलाया उसने। तो ये यहाँ पे जो सुडानीज चाइल्ड सोल्जर के बारे में है, सुडानीज चाइल्ड सोल्जर के बारे में इन्होंने दिया है, आई मेट विद अ सुडानीज चाइल्ड सोल्जर, ही वाज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया। मिलिशिया मिलिट्री पर्सनल रहते हैं ना, जैसे वीरप्पन के होते, वीरप्पन के लोग जो जुल्म के खिलाफ लड़ते गाँव में, उनको मिलिशिया बोलते हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया के जो सोल्जर थे उन्होंने बोला, उन्होंने उसे किडनैप करा और फिर बाद में उसको ट्रेनिंग दी कि तुम अपने हक के लिए लड़ो। और उसकी ट्रेनिंग का पहला वाला पार्ट था अपने मम्मी पापा और अपने दोस्तों को मार डालो। तो उसने बाद में कैला सत्यार्थी को पूछा कि मेरा गुनाह क्या था, आखिर कुछ गुनाह था क्या मेरा, मुझे ऐसी जिंदगी क्यों मिली, मुझे क्यों हक की जिंदगी नहीं मिली। संकेत संकेत एक मिनट अनम्यूट करो संकेत। संकेत का आवाज नहीं जा रहा लगता। फ्रेंड्स, ऑल द रिलीजन टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। जीसस सेड, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। द होली कुरान सेज, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से अपने बच्चों को मत मारो। और जीसस क्राइस्ट क्या बोलते थे कि है ना, मेरा जो किंगडम है वो चिल्ड्रंस के लिए ही है। सो चिल्ड्रंस आर वेरी मच ग्रेट। फ्रेंड्स, there is no greater violence than to deny the dreams of our children. Therefore, I refuse to accept that all the temple and mosque and church and prayer houses have no place for the dreams of our children. मतलब हम लोग इतने गरीब हो गए हैं कि churches, mosques और prayer houses जितने भी है उसमें हमारे बच्चों के लिए इसके लिए जगह नहीं है। संकेत सुनाई दे रहा है? संकेत म्यूट करके बैठे हुआ। I refuse to accept that the world is so poor when just weeks of global military expenditure can bring all the children to classroom. देखा नहीं होगा उसमें संकेत। संकेत बोल रहा नहीं भी नहीं। हाँ बोल रहा भी नहीं। हेलो। उसका हेडफोन नहीं है। हाँ संकेत तुम्हारा 12 बजे रहेगा। तुम्हारे जब क्लासेस रहेंगे तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। ओके यस सर। हाँ अभी एग्जिट कर लो मीटिंग को, ये 10 का चालू है। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस एंड जजेस आर अनेबल टू आवर चिल्ड्रन। I refuse to accept that the shackles, shackles समझता ना, मैंने सिखाया था where the mind is without fear में, जंजीर, yes sir, बंधन, all the shackles of slavery can ever be stronger than the quest of freedom. I refuse to accept.
माय ओनली एम इन इन लाइफ इज दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड, फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, फ्री टू ईट स्लीप एंड सी डे लाइट. कुछ कुछ लेबरर्स को उसने आदत कराया था कैलाश चटर्जी ने, जिसने दो दो साल तक सनलाइट नहीं देखी है बच्चों ने, उनके आंखों में प्रॉब्लम होती है सनलाइट देखने के बाद. ऐसी प्रॉब्लम होते हैं कि तुम लोग देखो 3 महीने के बाद घर के बाहर निकलेंगे ना कंटिन्यूसली, तो तुम ऐसे अलग लगेगा. अभी अभी घर में रहते हैं क्या सब? यस सर. हाँ सर. ज्यादातर के टाइम रहते होंगे बाहर, निकलते क्या? हाँ सर. नो. निकलते तो होंगे आता तो निकलता चूंगा पक्का. हाँ सर, रोज कम से कम 4 घंटा बाहर रहते हैं. हाँ 4 घंटा बाहर. एक बार पुलिस वाला आ गया ना ऐसे डबल स्पीड से भागेगा तू अंदर. नहीं सर, हमारे कॉलोनी में नहीं आता कोई. उस दिन मैं और सार्थक जा रहे थे. हाँ. मंदिर में जा रहे थे अथर्व, तो उसके अचानक पुलिस वाला आ गया. सार्थक बोला गया मैं अभी सर हमारा गेट बंद कर दिए. निखिल सर हमारा गेट बंद कर दिए. गेट बंद कर दिया ना, अच्छा करा निखिल. हाँ. इसको बोल रहा मैं निखिल को. निखिल और कौन है कुनाल, ये गैलेक्सी J7 नहीं क्या? वो निखिल और कुनाल है वो. व्हाट इज द टाइम सर? हर्षिता पूछ रही है अभी व्हाट इज द टाइम सर. अच्छा सादा करा. उसको बोलता 11:34. चंदो चंदो रुको. 11:34 क्या है? AM है ना अभी? फ्री टू लाफ एंड क्राई, फ्री टू प्ले एंड लर्न, फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबव ऑल फ्री टू ड्रीम. आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद माई मेनी करेजियस पीपल हु हैव द सेम एम, वी लाइक माइंडेड पीपल. उसको बोलते We have never given up against any threats or attack, and we will never give. We have made progress in the last couple of decades. Decades bole to kya? A period of 10 years. 10 years. Atharva ne bola nahi hai? Kya Sumit ne bola? Sir, maine bola. Main kon? Sumit kya? Sumit. Ha. Sumit. Barabar hai. A period of 10 years. Likh dal laga to tum. Hamesha confused hote hai bachche isme. We have reduced the number of out of school children by half. We have reduced the number of child labor by a third. We have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child deaths. Sunai de raha na mere awaaz? Ha sir. Yes sir. Let us make no mistake. Great challenges still remain. मतलब ये इसके पहले वाले जो पैराग्राफ था उसमें उसने वो जैसे अपने बारे में बताते नहीं कि हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में तारीफ सुनाते हैं हमारी खुद की, वैसे वो खुद की तारीफ सुना रहा है ये वाले पैराग्राफ में कि उन्होंने उनके ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या अचीव करा है. अचीवमेंट लिखो, तारीफ मत लिखो तुम्हारी से. ये जो इतना वाला जो था उसमें अचीवमेंट लिखा लो. उसके अचीवमेंट, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट क्या क्या थे वो बताया मैंने. बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन. अभी भी चैलेंज रिमेन है. अभी तक जो वे है वो हाफ रीच्ड है. जो गोल है वो अटेंड नहीं हुआ है. अभी भी बहुत सारे बच्चे घूम ही रहे हैं ऐसी वे. बट लेट अस मेक फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इनटॉलरेंस. इंटॉलरेंस समझता ना तुम्हें? कुराल अभी तक है फ्रेंड. द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इंपार्टिंग एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग यूथ. आई एम अफ्रेड दैट The day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in unprecedented violence, and that will be suicidal for humankind. मतलब ऐसा एक दिन आएगा
राइट सिक्योरिटी होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन. मतलब वो इम्पोर्टेंस क्या बता रहा है इसमें, ऑल नेचुरल एजुकेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. एजुकेशन इज नॉट द थिंग दैट वी गो एंड टेक फ्रॉम स्कूल. फिर से मैं बोल रहा हूँ, एजुकेशन ये है कि हम खुद ब खुद समझे कुछ तरीके की चीजें. That's called as education. ऐसे नहीं कि वो पढ़े लिखे गवार बनेंगे, डिग्री ले लेंगे पर हमारे को कुछ आएगा नहीं. वो मैंने मेरे फ्रेंड जो इंजीनियर था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से बना था इंजीनियर, तो उसने उसको बोला था, वो मुझे बोला था कि हम इंजीनियर है पर हमारे को है ना अगर घर के वायर की फिटिंग खोलने को लगा देना वो खोलने को नहीं आएंगे. Today is not class. What a English! Wow. Today is not. Young people like Malala. I have started calling. मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? आ रहा है सर. आ रहा है. आ रहा है ना, तुम react नहीं कर रहे तो मेरे को डर लगने लग गया. लगता है तुम बोर हो गए. अब इतने दो तीन पैराग्राफ करेंगे अपन और पार्ट टू कल ही देखेंगे. Young people like Malala. I have started calling her my daughter. क्रांति एग्जिट हो गई थी क्या? And not just Malala. So my daughter Malala and other daughter include Kayanath. In fact, two Kayanath and Asia and daughters from Africa and from all over the world. They are rising up and choosing peace over violence, tolerance, over extremism and courage over fear. The solutions are emerging. But this solution cannot be found in the deliberation in the conference alone and cannot be found in the prescription from a distance. छोटा बच्चा किसके यहाँ पे? They lie in small group and local organization and are confronting with the problem every day. Even if they remain unknown to the world, solution are with them. Okay, so iska main stress kya hai? Education kya? Call karna. Samjha tum logon ko? Aage Sumit, ek baar unmute kar do bola. Sumit Antara. Yes sir. Aaj jitne tension hai jitne unmute kar do. अंतरा सुमित. यस सर. और कौन कौन है अपने इसमें टेंथ में? उदय भी है. अथर्व तो अनम्यूटिक है. अभी टेंथ स्टैंडर्ड तुम एग्जिट हो जाओ. अभी टेंथ स्टैंडर्ड तुम एग्जिट हो जाओ. ओके सर. हाँ और यस कल अपन सेकंड पार्ट देखेंगे इसका. ओके बाय. यस सर. Kunal. Hello Kunal. Yes sir. Atharva. Exit ho jaye ek baar. Kya tumhare classes? Haan. क्रांति यस सर. अभी तुम्हारे भाई तो बेटा तो 8 स्टैंडर्ड की चालू कर रहा मैं अभी. हाँ सर. तुम्हारी हो गई. तुम्हारा तो सेकंड पार्ट कर लूंगा मैं. यस सर. नहीं दे रही है. क्वेश्चन मार दिया.